भाई एक चीज है यार, गाड़ी अपनी मानती नहीं है कसम से, तो जंप बहुत है भाई इस रोड पे। हेलो, देख रहे हो भाई साहब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ये इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल भाई अभी आ गया था मैं होटल, और अभी जो अपना व्लॉग अपलोड हो रहा है फेसबुक पे, भाई एक बज रहा है। गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड मॉर्निंग। तो जॉब था यार, और जो यहाँ से रेलवे के प्रोजेक्ट है ना भाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। पहले तो आप भाई लोकेशन चेक करो, ये रही लोकेशन। ये देखो भाई कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे आपको। बट सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, जितना जज कैमरा नहीं कर पा रहा है भाई, जितनी जो आंखें कर पा रही है। बट मैंने लगाई है गॉगल, थोड़ा आज तुम्हारा भाई फनी मूड में है। बाकी हाँ, काम की बात पे आते हैं भाई साहब। जो रेलवे प्रोजेक्ट है ना भाई, वो जा रहा है इस पहाड़ी से। यहाँ पे टनल है एक, इस वाली तरफ टनल है ना, ये टनल से अंडरग्राउंड हो गए भाई, यहाँ से टनल बनी हुई है। वो जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना भाई, वहाँ तो अभी चलेंगे वहाँ, उस ब्रिज से करेंगे परे वाली पहाड़ी पे एंटर। तो वहाँ से भी उस पहाड़ी पे भी वहाँ को टनल बनी है, और जो है इस पहाड़ी से भी यहाँ को टनल बनी है, और यहाँ के वो टनल निकल रही है। और यहाँ से मतलब गोविंद सागर लेक झील है ना भाई, इसके साइड से पार से जा रहा है रेलवे प्रोजेक्ट। जो रेलवे ट्रैक है ना भाई, वो पार से, और अंडरग्राउंड टनलें बन रही होंगी उस साइड का, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। बट आगे जाके आपको काम देखने को मिल जाएगा उस वाली जगह पे, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाया था। कमेंट में बता देना भाई इस साइड का व्लॉग भी अलग से बना दूंगा मैं। फिलहाल भाई यहाँ से रेलवे ट्रैक जा रहा है, और वो निकल रहा है आगे चांदपुर ब्रिज, ठीक है। तो ये मैंने आपको लोकेशन बता दी, बाकी व्लॉग में बने रहिएगा। अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, और भाई जितने भाई लोग वीडियो देख के विज़िट करोगे, आपके पास ये वीडियो कहाँ कहाँ से पहुँचेगी तो मेरे को कमेंट में बता देना। और यहाँ आओगे तो यहाँ विज़िट ज़रूर करना यार एक बारी, रूफ टॉप का मज़ा ज़रूर लीजिएगा आप। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है। अभी जो मैं निकलूँगा यहाँ से, ये जो भराड़ी ब्रिज है ना भाई, यहाँ से निकल के वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ से आपको थोड़ा टनल के बारे में बता देते हैं, और गोविंद सागर लेक का व्यू आपको कैसा लग रहा है भाई स्क्रीन पे, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मेरे को। बाकी भाई एक पिछला व्लॉग मैंने रेलवे का डाला था, तो उसमें मेरे को एक कमेंट आया था भैया का कि मंडी रेलवे प्रोजेक्ट का पहुँच गया। बट भाई अभी बिलासपुर ही है, अभी बिलासपुर का तो कंप्लीट होने तो कम से कम यार, उसके बाद मंडी भी पहुँच जाएगा भाई। जो भाई देख रहा है आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया था, बट अभी टाइम लग जाएगा मंडी पहुँचने में। बाकी ले तक ये प्रोजेक्ट जा रहा है, क्या पता 5-10 साल लग जाए। भनुपली मेन स्टेशन मैंने आपको बता दिया था, जो कि पंजाब में था। अगर वो आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उस ब्लॉग को भी देख लीजिएगा। और आगे का ब्लॉग जो है यहाँ से कंटिन्यू रहा है हिमाचल से, क्योंकि वहीं एंड करा था मैंने उस वाली पहाड़ी पर जो आपको बताया था ना, और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे का ब्लॉग। भाई मैं थोड़ा सा घूमता आगे आ गया, और यहाँ से आपको प्यारी सी लोकेशन दिखा देता हूँ। और पहले तो ये रहा मेरा चेतक, जिस पे मैं आज भाई मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ एक हिसाब से देखा जाए। और वो रह गया भाई 4 लाइन का ब्रिज, जहाँ से आपको मैंने जो है रेलवे वाली लोकेशन दिखाई थी, जो ये वाली पहाड़ी है ना भाई, इसके अंदर से टनल आगे जाके निकल रही है कहीं। मेरे को कमेंट पे बता देना भाई, मैं इस साइड से दूसरी साइड का ब्लॉग भी बना दूंगा आपके लिए स्पेशली। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी धूप में तुम्हारा भाई यार मेहनत कर रहा है। अभी जो है दूसरी टनल वाली तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा आ रहा था तो मैं किस तरफ का अभी आपको घुमा देते हैं जरा। बाकी ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्क वाला एरिया है, तो रिक्वेस्ट मेरी यही है सबसे कि इस एरिया में आप ना आए तो आपके लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा भाई काम रुक रुक के चलेगा, तो वो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। टूरिस्टों के लिए तो स्पेशली भाई मत आना। भाई एक चीज़ है यार, गाड़ी अपनी मानती नहीं है कसम से, तो जंप बहुत है भाई रोड पे। यहाँ से टर्न करा मैंने दूसरी वाली जो टनल है उसके लिए, तो दूसरी वाली टनल भी आपको दिखाते हैं, नीचे वाला रास्ता ये रह गया भाई। चढ़ जा। अगर जाने दिया टनल से तो भी ठीक है, नहीं जाने दिया भाई तो भी ठीक है। तो ये है भाई दूसरी टनल, वहाँ से मैंने आपको नज़ारा दिखाया था इस वाली टनल का, ये रही सामने। तो ये टनल नंबर 16 है और पोर्टल नंबर 1। तो भाई अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं, और ये नीचे चला है ट्रैक का काम। बाकी टनल तो फ़िलहाल भाई इसके दोनों छोर मिल चुके हैं आपस में, अभी देखते हैं भाई। एक तो कीचड़ी बहुत है यार, ऐसा ना कि गाड़ी धस जाए अपनी भाई, पंखा पड़ जाएगा अपने को एक तो, बाकी कुछ नहीं है। चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें भाई, अगर आप टनल में
एंटर कर रहे हो तो ये है भाई दूसरी टनल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो कीचड़ बहुत है यार, गाड़ी सारी गंदी हो जाएगी अपनी। जो तो आपको हल्की हल्की साउंड सुनाई दे रही है ना, तो भाई उस तरफ वो है ऊपर ना, इसके ऊपर है आपका 4 लेन। तो इस कीचड़ में भाई चेतक आएगा, देखो क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। निकाल दें इसमें भैया, नीचे नीचे तो पानी बहुत गहरा होगा यार। तो बाकी भाई पहले ये टनल बनी हुई नहीं थी, अब ये जो है बन चुकी है एक प्रॉपर तरीके से, इसमें आवाजाही है गाड़ियों की। तो जैसे कि आपको मैं दिखाई पा रहा हूँ, एक तो भाई ठोकर 2 बारी लग गई अपने को भाई, कसम से बच गया मैं गिरने से। ये साउंड सुनो, इसके ऊपर है भाई 4 लेन, जो फ्लाईओवर की तरह थोड़ा सा बना हुआ है ना, तो वो है। बाकी अगर आप टनल के अंदर चल रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलना यार, ना हो नीचे गिरोगे। और इस तरह पता नहीं क्या बन रहा है, ये पानी वानी होगा शायद से। अभी करते हैं कि इससे बात, अगर मानता है बंदा तो फिर ले आते हैं गाड़ी को अंदर ही और चलते हैं आप आगे को। क्यों तो भाई, तुम्हारा भाई अकेला ही घूम रहा है टनल के अंदर। भाई डर ये नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, डर मेरे को थोड़ा सा ये है कि गाड़ी ना फंस जाए अपनी। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई है नहीं, परले वाले बोल्डर में आपसे वापस आ गया, प्लान हो गया अपना चेंज। अब चेतक की घुसा देंगे इसके अंदर और लाइटें लूटे करते हैं गाड़ी की ऑन, चल के फटाफट से और यहाँ से निकलते हैं आगे को। और भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है। और अंधेरे में भाई मैं एक चीज़ बोलूँ, मेरे को 6-7 बारी ठोकर लगी जहाँ मैं साइड में चल रहा हूँ इस पर। तो आप भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें अगर आप आ रहे हो तो, भाई राइट साइड को मत चलना कभी, लेफ्ट को चल पड़ना, इनके जो लोहे के भाई इन्होंने बाहर को निकाले हैं ना ये वाले, तो इनके इनसे बचें आप। ये वाला टास्क बहुत रिस्की हो सकता है वैसे, चलो देखी जाएगी, करते हैं अब एंट्री। अब यहाँ पे गार्ड वगैरह कोई था नहीं, किसको पूछे, मिलेगा कोई आगे तो कर लेंगे बातचीत। भाई गाड़ी की मैंने लाइटें कर दी ऑन जो कि टनल में साथ देंगी, क्योंकि टनल में बीच बीच में भाई अंधेरा है। अब चलते हैं यहाँ। हेलो, देख रहे हो भाई साहब, गाड़ी डूब चुकी है। ओहो, भाई बहुत रिस्की है यार, बहुत ज़्यादा। ये तो दरिया बना है भाई, दरिया। वो अब आ रहा है गार्ड, देख रहे हो, अब तो निकाल दिया। ओ भाई कसम से यार, मोटा एडवेंचर हो गया इस ब्लॉग में तो, देख रहे हो चारों साइडों से देख लो। भीग गया भाई मैं तो भीग गया। जो करना है ना भाई वो कर ही देना है फिर। भाई गाड़ी दब रही है यार, ये आगे भाई टनल से बाहर। इस टनल में विजिट भी कर लिया, गार्ड आया बाद में भाई यार, सॉरी यार, अब क्या कर सकते हैं भाई टनल में तो। इसकी गाड़ी की कंडीशन बताऊं आपको, बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो ये रहा भाई अपना लास्ट ब्लॉग, इस ब्लॉग को भी करते हैं यही एंड। बाकी ऊपर से भी एक बार फ्लाई ओवर से नज़ारा दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर वाले आप तरफ देख रहे हो ना, यहाँ से भाई 4 लेन की गाड़ियाँ जा रही हैं इस वाली तरफ। हाँ भाई, जो करना है भाई वो कर देना है। और जो कंस्ट्रक्शन एरिया ये रह गया, टनल ये रहेगी आपकी। और अभी चलते हैं भाई आगे और फ्लाई ओवर पर एंटर करते हैं। फाइनली यहाँ आके जो रास्ता मिलता है ये देखिए, हवा साढ़े वाले थी ये बंदे देख रहे हैं भाई, बंदा शूट स्टार्ट कर रहा है बढ़िया। अभी जो है इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अभी फिर रुक जाओ यार थोड़ा सा, अभी फ्लाई ओवर से आपको टनल तो दिखा दूंगा, टनल दिखती कैसी है यार। भाई यहाँ से चढ़ते हैं यहाँ पे, और ये है भाई वो टनल जिसके अंदर से अभी मैं एंटर होके आया।
ऐसा ना हो भाई बोलें कि भाई हुड़दंग मचा रखा है। तो ये टनल है भाई, ये निकलती है यहाँ नीचे, जो आपने पिछली क्लिप देखी वो यहाँ नीचे की थी डाउन में। और ये रह गया अपना आपका शिमला, और ये मनाली के लिए सीधा आगे से यहाँ पराड़ी ब्रिज से चला गया मनाली, और इस तरफ अगर लेफ्ट टर्न करोगे तो चला जाएगा चंडीगढ़। बाकी उम्मीद करता हूँ भाई आपके लिए स्पेशली, थक गया यार। और गाड़ी की कंडीशन दिखाऊँ आपको भाई, अभी हरान रह जाओगे। ये देखो गाड़ी का हाल, पहले देखो जूतों का हाल, ठीक है, ये कपड़ों का हाल, और ये देखो गाड़ी का हाल, देख रहे हो, बुलानी पड़ेगी भाई। ये देखो गाड़ी का पूरा हाल, कीचड़ी कीचड़ से क्या हो गया भाई, ये देख रहे हो। इस तरफ टनल की मिट्टी, तुम्हें पता है खुरापाती काम तो हम कर ही देते हैं यार। ये देखो हाल गाड़ी का, देख रहे हो पानी निकल रहा है यार यहाँ से भाई। ओ भाई ब्रिज हिला यार, बाकी धुलाता हूँ इसको। यहाँ यहाँ तक पानी था, यहाँ यहाँ तक पानी भाई, ये तो डूबा हुआ था यहाँ यहाँ तक। आइडिया लगा लो पानी, जैसे मैं स्पीड दे रहा था ना भाई, जैसे गाड़ी रुक रही थी ना वैसे मैं स्पीड दे रहा था, तो भाई यहाँ से यहाँ तक पानी आ रहा था भाई कसम से। चलो मज़ा आ गया। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार। ये जो आगे ट्रैक जा रहा है ना, तो इस वाली तरफ से जा रहा है भाई, ये आगे आगे होके यहाँ पे आपको ये काम दिख रहा है ना, इस वाली तरफ से आगे होता हुआ आगे निकल रहा है गोभी सागर लेक झील की साइड साइड से, बिलासपुर के नीचे वाली तरफ से भाई। भाई ये देख रहे हो आप नीचे, तो इस वाली तरफ से आ रही है ये टनल, और यहाँ यहाँ से भाई ट्रैक जा रहा है इस तरफ। ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है, और साइडों साइडों से होके जा रहा है रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ 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 से। और नीचे देख लो आपको पानी में डूबते हुए मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। वो रहेगा चांदपुर ब्रिज।